इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पेन ड्राइव का वीडियो पीसी या लैपटॉप में ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। तो हमारे पास कई सारे जो पेन ड्राइव में वीडियो होता है, तो इस वीडियो को हमें पीसी या लैपटॉप में ट्रांसफर करना है तो उसमें आपको आसान तरीके ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आपका जो पेन ड्राइव है, तो इस पेन ड्राइव को आपको पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं लेकिन उसमें शो नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, तो उसमें जाके देख लीजिए। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेन ड्राइव का वीडियो पीसी या लैपटॉप में ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, इस हमारा जो पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव में कई सारे जो वीडियो है, तो इस वीडियो को हमें पीसी या लैपटॉप में ट्रांसफर करना है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव आपको सबसे पहले पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट कर देना है। तो इस हमारा जो पीसी है, तो पीसी में चले मैं सबसे पहले जो पेन ड्राइव है वही मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इस तरह जो 30 पीसी का फोल्डर है, तो उसको आपको ओपन कर देना है। और ओपन करने के बाद हमारा सी ड्राइव जो ई ड्राइव है, तो चले मैं सबसे पहले पीसी में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इस तरह कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद उसमें जो पेन ड्राइव है वही शो हो जाएगा। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा पेन ड्राइव है वह हमारा सही से पीसी में कनेक्ट हो गए और उसमें शो हो गए। लेकिन पेन ड्राइव में वीडियो है वह हमें पीसी में ट्रांसफर करना है। तो चल मैं पेन ड्राइव को सबसे पहले ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें कई सारे जो फोल्डर होता है, तो वही फोल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैंने पेन ड्राइव को ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद उसमें वीडियो का फोल्डर है, तो इस फोल्डर को मैं ओपन कर देता हूँ। और ओपन करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि कई सारे जो वीडियो है, तो इस वीडियो को मैं पीसी में ट्रांसफर करना है। तो आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है, जो अलग अलग वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस करके किसी भी वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो उसमें क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए हमारा सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन आपको ऑल सिलेक्ट करना है, तो आपको इस तरह ऑल का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे मेनू बार में, तो वही आपको उसमें क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। और कीबोर्ड में आपको कंट्रोल ए को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और हमारा सिलेक्ट हो गए, और सिलेक्ट होने के बाद उसमें जो मेनू बार में जो कॉपी या मूव का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले जो सभी वीडियो है, तो इस वीडियो को हमें पीसी में ट्रांसफर करना है, तो आपको कॉपी पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको मूव करते ही तो आपका पेन ड्राइव में वीडियो अट जाएगा और पीसी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको जो कॉपी या करना है या मूव करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। जो हम कॉपी करते हैं तो हमारा पीसी में भी रहेगा और हमारा पेन ड्राइव में रहेगा, और जब मूव करते हैं तो हमारा पेन ड्राइव में अट जाएगा और हमारा पीसी में आ जाएगा। तो चलो मैं सबसे पहले कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ, और आपको कीबोर्ड में कंट्रोल सी पे कर सकते हो। तो चलो इस तरह दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वही आपको कीबोर्ड से भी कर सकते हो और आपको उसमें क्लिक करके भी कर सकते हो। तो चलो मैं उसमें कॉपी का ऑप्शन है तो उसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद उसमें आपको कई सारे फोल्डर दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको जिस फोल्डर में ट्रांसफर करना है उसमें कर सकते हो। तो मैंने कॉपी कर दिया है, और मैं मिनिमाइज पे क्लिक करता हूँ, और मिनिमाइज करने के बाद चलिए मैं डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ, और इस फोल्डर में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। तो आपको किसी भी फोल्डर में ट्रांसफर कर सकते हो। तो सभी वीडियो मैंने पेन ड्राइव से कॉपी कर दिया है, और डेस्कटॉप में मैं माउस से राइट साइड क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके फोल्डर बना देता हूँ, और फोल्डर हमारा क्रिएट हो गए। तो चलो मैं इस फोल्डर का नाम टाइप कर देता हूँ, वीडियो पीसी। तो आपको इस तरह किसी भी फोल्डर में ट्रांसफर कर सकते हो। तो हमारा फोल्डर है वही हमारा सही से क्रिएट हो गए, और क्रिएट होने के बाद चले इस जो फोल्डर है, तो फोल्डर में मेरे हमारा वीडियो है वही हमें ट्रांसफर करना है। तो चलो इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद उसमें पेस्ट का ऑप्शन मेनू बार में दिखने को मिल जाएंगे, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है, और आपको कीबोर्ड से कंट्रोल वी पे कर सकते हो। तो चलो मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, और पेस्ट पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो सभी पेन ड्राइव का वीडियो है वही हमारा पीसी में ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको वेट करना है, जितना वीडियो है वही आपको सभी उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मैंने कॉपी किया है तो हमारा पेन ड्राइव में भी वीडियो होगा और हमारा पीसी में भी होगा। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा सही से सभी वीडियो है वही हमारा ट्रांसफर हो गए। तो चलो मैं सबसे पहले क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद चलिए मैं फिर से इस फोल्डर को ओपन कर देता हूँ।
तो चल मैं इस फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ, तो हमारा फोल्डर है भाई उसमें ओपन हो जाएगा और सभी वीडियो है भाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो चल मैं इस तरह हमारा फोल्डर में सही से जो वीडियो है भाई हमारा ट्रांसफर हो गए, और मैं पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को भी ओपन करके आपको बता देता हूँ कि हमने जो वीडियो ट्रांसफर किया है वही हमारा पेन ड्राइव में है या नहीं है। तो चल मैंने कॉपी किया है तो इस वजह से हमारा दो में फोल्डर में या पेन ड्राइव में भी वीडियो होगा। तो चल मैं जिस पीसी पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद उसमें हमारा जो पेन ड्राइव ने कनेक्ट किया है तो इस पेन ड्राइव को मैं ओपन कर देता हूँ। तो चलिए यूएसबी ड्राइव डी है वही मैं ओपन करके वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको पेन ड्राइव का वीडियो है वही आपको पीसी या लैपटॉप में ट्रांसफर करना है तो इस तरह आपको आसान तरीके ट्रांसफर कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।